30 अप्रैल को मेरे बेटे का बर्थडे, उस दिन वड़ा पाव फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा यहीं पर। और जो इतनी सारी भीड़ है वो आप टैकल कैसे करोगे? जैसे आज कर रही हूँ। लेकिन उस दिन तो फ्री होगा ना? हाँ, उस दिन पैकिंग नहीं होगा, सिर्फ खाने के लिए होगा। और वो सब कुछ फ्री होगा, टू एवरीबॉडी। कितने तारीख को मैंने बताया आपने फ्री होगा? 30 अप्रैल को। देखो गाइस, 30 अप्रैल को आपकी रील्स कनाडा में भी चली गई है। अभी मैंने एक वीडियो डाली और मेरे फ्रेंड ने बोला कि उसने कनाडा में देखी आपकी रील्स। हाँ, हर जगह चल रही है। अच्छी बात है ना, एक्साइटेड हो? मेहनत करी है मैम, इस दिन के लिए मेहनत करी है। ये जो भीड़ है ना, ये पैसे की खरीदी भी भीड़ नहीं है। आपका बेटा आएगा बर्थडे पे अपने यहाँ पे? कोशिश करूंगी, क्योंकि एक्चुअल में वो भीड़ देख के डर जाता है। कोशिश करूंगी, उसको लेके आऊंगी आधा एक घंटे के लिए, फिर घर पहुँचा। आपकी टाइमिंग 4 to 8 है ना? 4 पैकिंग है सर। हाँ, आपका एक मैम, ये एक दिन में कितने वड़ा पाव चले जाते हो गए आपके? पता अंदाजा करने ना, एक छोटा सा अंदाजा नहीं पता सर, लोग अंदाजा लगा रहे रील देख के। आप देख लो, मेरे को तो आज तक पता। कल एक बंदे ने कहा 5,000 वड़ा पाव डेली सेल करते हो। मैंने कहा भाई तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर मैं इतना कर लूँ, क्योंकि इतना सेल करने के लिए चंडीगढ़ दीक्षित फिर खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वड़ा पाव बनाने में। लोगों को लगता है कि आलू की बस बॉल डुबा दी, उसके अंदर इतने मसाले डलते हैं ना कि पूछो मत। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। यशी कॉल किया, अरे बस एक जोई पे, एक जोई पे, अरे ऐसे करके एक जोई पे ट्रन ट्रन। हाँ जी, जाने का नाम है गूगल।